व्हाट्स अप दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन में अपना बिजनेस बना सकते हैं और इसके क्या स्टेप्स हैं और आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं तो आपको एक ओवरऑल दे दूंगा, कोई मतलब प्रैक्टिकल मतलब एक पूरा चार्ट के साथ नहीं दिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन मैं आपको एक पूरी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं ऑनलाइन में और आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो इस छोटी सी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं ऑनलाइन में और आप कैसे बहुत ही ज़्यादा मिलियन डॉलर या कहो तो अनलिमिटेड मनी आप बना सकते हो। तो सबसे पहली बात, गाइस, लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो जॉब कर रहे हों या प्रॉब्लम आती है कि वो एक स्टूडेंट हैं तो वो कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, और प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो कैसे मतलब कम से कम पैसों में 2-3 हज़ार रुपये में कैसे वो अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे ले जाएं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नॉलेज की कमी है कि कैसे कैसे ऑनलाइन में आप कैसे कैसे पैसे बना सकते हो, तो उसके लिए यही यूट्यूब चैनल है जिसको आप देख रहे हो। तो अगर आपने अपने चैनल ऑनलाइन मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। और गाइज आप देख सकते हो हमारी हर पिछली वीडियो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको नया बताया हूँ, वैल्यूएबल बताया हूँ ताकि आप काफी अच्छा अर्निंग कर सको। तो आप जाके चेक कर सकते हो ऑल द लास्ट वीडियोस को। और इस वीडियो में जो मैंने कहा आपको कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, तो गाइज ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। मैं आपको तुरंत बता दूंगा, मतलब कुछ ही मिनटों में बता दूंगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले गाइज की एक चीज़ याद रखो कि कभी भी जो भी ऑनलाइन में कोई भी बिजनेस करो तो उसमें अपना पूरा पैसा ना डालो। सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि अगर आप एक कोई भी बिजनेस करते हो, मान लो आप एक ऑनलाइन MLM को ज्वाइन करते हो उससे कुछ पैसे बनाने के लिए, ठीक है, शुरू में करना पड़ता है क्योंकि आपको और भी अपने बिजनेसेस बनाने होते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करते हो तो अगर वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिमिट में नहीं है तो आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरे पैसे अपने उठा के एक ही बिजनेस में डाल दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर वो कंपनी भाग गई तो आप डूब भी सकते हो, और ये होता है ऑनलाइन में, और ये बहुत होता है, और ये उन्हीं लोग के साथ होता है जो शुरू में ऑनलाइन आते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कौन सी चीज़ें कौन से मेथड पे काम कर रही हैं, कौन सा बिजनेस कौन से मेथड पे काम कर रहा है। तो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। ओके, सो जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आपको ऑनलाइन में कभी भी एक बिजनेस लेकिन नहीं चलना है, आपको मिनिमम टू मिनिमम 3-5 बिजनेस को रन करना है ऑनलाइन में एक टाइम में, मिनिमम टू मिनिमम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मिनिमम टू मिनिमम तो चलना है, लेकिन क्या हर बिजनेस को आप बिल्ड कर लोगे एक साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप हर बिजनेस को एक साथ बिल्ड। दोस्तों आप हर बिजनेस को एक साथ बिल्ड नहीं कर सकते, सबके लिए एक सफिशिएंट टाइम है और सबको अपने अपने मतलब ऑटोमेशन पे जाके आपको छोड़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम का बिजनेस, मैंने आपको बताया एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस, मैंने आपको बताया वीडियो मार्केटिंग का बिजनेस, तो ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्टिवली मनी बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है गाइज वो ये है कि आपको कुछ पैसे चाहिए ऑनलाइन बिजनेस में आने के लिए, और उन पैसों को थोड़ा थोड़ा करके बांट के हर अलग अलग बिजनेस में डालना है, ना कि एक बिजनेस में अपने पूरे पैसे डाल देने हैं। दूसरा स्टेप यह है कि आपको पहले एक बिजनेस को सेट करना है, उसको ऑटोमेशन पे ले जाना है और फिर उसको छोड़ देना है। कई सारे लोग हैं, हर बार मुझसे यही पूछते थे कि कैसे बिजनेस को सेट करना है, कैसे बिजनेस को सेट करना है। तो मैंने सोचा कि आज यही एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको बताया जाए कि बिजनेस को कैसे सेट किया जाता है ऑनलाइन में। तो ये ऐसे ऐसे होता है, मतलब एक छोटा सा मैं फॉर्मूला अभी दे रहा हूँ, कभी मैं इसकी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, आज मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा एक वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए, आपको समझ में आ जाए कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो आप जैसे 5 बिजनेस आपको बनाना है तो आप सबसे पहले एक ऐसा बिजनेस पकड़ो जो आपको तेजी से पैसा दे सके और जिसमें आप तेजी से काम कर सको। अगर गाइज आप नेटवर्किंग नहीं कर सके, नेटवर्किंग का मतलब MLM नहीं होता, सबसे पहले बता दूं, नेटवर्किंग का मतलब होता है जान पहचान। अगर आप जान पहचान ऑनलाइन बिजनेस में नहीं बना पाओगे तो 70% चांस है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का मतलब ही एक सोशल है। सोशल वर्ल्ड में आपको अपनी पहचान और लोगों से जान पहचान बनाना जरूरी है, तभी आप स्टेप बाय स्टेप मूव कर पाओगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है,
और पहले एक आध बिजनेस पकड़ना है जो वैल्यूएबल हो, जो लॉन्ग टर्म हो, जो आपको बैकअप में पैसा देता रहे। तो ऐसा एक बिजनेस को पकड़ना है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑनलाइन MLM हो सकता है या कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे उसको पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। तो गाइज आपको ऐसी चीज़ों को पकड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। वो आपको पीछे से पैसा देते रहेगा, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट बिजनेस में कूदो, ठीक है। तो इसका मैं एक बिजनेस वाइज ना एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को कैसे सेट कर सकते हो। मिनिमम टू मिनिमम आपका 3 बिजनेस होना चाहिए, फिर आपकी एक लाइफ स्टाइल आती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन अभी भी वो एक से एक बिजनेस बिल्ड करते जा रहे हैं। क्यों बिल्ड करते जा रहे हैं? क्योंकि उनको एक बैक स्टेप पीछे मिलते जा रहा है, एक बिजनेस उनका पीछे तैयार होते जा रहा है, फिर वो आगे मूव करते जा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही गेम करना है। ओके सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद। स्टेप बाय स्टेप वीडियो कमिंग सून। बाय बाय।